वेलकम बैक। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि स्पेशल शकरकंद की हलवा, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। ये देखिए, मैंने 250 ग्राम शकरकंद लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह वाश कर लिया है। अब इसे हमें बॉयल करना है, उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो चलिए इसे बॉयल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने शकरकंद इसे बॉयल कर लिया है, अब इसे हमें ऐसे छीलना है। ये देखिए, इसका ऊपरी परत हम ऐसे उतार देंगे, तब इसका हम हलवा बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसे कभी भी गर्म नहीं छीले, इसे थोड़ा ठंडा होने दे, तब इसे छीलकर अच्छी तरह मसल ले। ये देखिए, इस तरह ऐसा हो जाएगा। सभी को अच्छी तरह छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सभी को छील लिया है अच्छी से, अब इसे हम अच्छी तरह मसल लेंगे। देखिए, ठंडा होने पर क्या होता है, ये अच्छी तरह मैश हो जाता है और गीला भी नहीं होता है, इससे हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद मैंने इसे बनाने के लिए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लिया है, उसके बाद शुगर पाउडर लिए है मैंने, घी है 3 चम्मच और थोड़ा सा दूध। चलिए अब हम बनाते हैं इसे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें हम घी डालेंगे। गरम होने देते हैं, हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भून लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हल्का सा भूनेंगे हम। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और ये सभी को इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए, इसे अच्छी तरह हम चला लेंगे। अब इसमें मैंने चीनी को ग्राइंडर जार में पीस लिया है, अब इसे थोड़ा डालकर थोड़ा सा चलाएंगे। भी इसे बनाकर खा सकते हैं, इसे लगातार चलाते रहें। अब इसमें लास्ट में जाएगा थोड़ा सा दूध। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, इसे सभी इसमें अच्छी तरह अब्जर्व हो जाए, ये भी अच्छी तरह घुल जाए। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह सुखा लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हलवा मेरा ड्राई हो चुका है, ये बहुत अच्छी तरह बन गया है। आप व्रत में चाहें तो शकरकंद का आप खीर बना के खा सकते हैं, हलवा बनाकर खा सकते हैं, बट ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। आप भी इसे रात पर जरूर बनाकर खाएँ, इसको जरूर ट्राई करें। चलिए इसे अब सर्व करके बताते हैं आपको कितना यम्मी और टेस्टी है। कुछ ड्राई फ्रूट से इसे हम गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। आप भी इसे शिवरात्रि पे जरूर ट्राई करें। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक्स वॉचिंग।